मैं तुम्हारा हाँ? कितना बज रहा है? 11 बज रही होगी। हाँ तो क्या कर रहे हो? कुछ भी करे कैसे? मेरा किचन है, किचन मेरा है। तो अच्छी बात है ना, वापस करे क्या? हाँ वापस करो मेरा किचन। नहीं यहाँ पर चूड़ा बुना जा रहा है, रात के 12 बजे इनको चूड़ा खाना है। किस किस के घर में ऐसा इंसान है जो कि रात को 12 बजे खाना खाता है बना के खुद से? मेरे घर में है। बोलो कुछ तो बोल दो, कैमरा आपके ऊपर है। बोलो। आप क्या, हम कैमरा की नजर है इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। ये अपनी टॉयलेट सुरक्षा अपने हाथ में। था। तो यहाँ पर पतिदेव बना रहे थे ये मुरमुरे, जो कि इनका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इनके साथ मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि आ रही है बहुत ही अच्छी सी एक भूभी, तो उसके लिए ये तैयार कर रहे हैं अपना नाश्ता। यहाँ पर मैंने खीरा, प्याज, टमाटर तीनों एक ही में कट कर दिया है बारीक बारीक, और ढेर सारी नमकीन इसमें मिल रही है, आप लोग देख सकते हैं। मुझे फिर से जब जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तब फिर से मुझे ये खाने का मन कर रहा है। वैसे ये बना चुके हैं और हम लोग खा भी चुके हैं, तो चलिए फिर खा लेते हैं। और आप सभी को गुड नाइट, क्योंकि अभी हम लोग मूवी देखेंगे। करीब 2 बज जाएंगे, क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं, तो शुरुआत तो अभी अभी मूवी की हुई है, और बहुत अच्छी मूवी है, पता नहीं कौन सी, मुझे नाम नहीं पता है। तो चलिए फिर मूवी देखते हैं और अपना नाश्ता जो है एंजॉय करते हैं, उसके बाद मॉर्निंग में मिलते हैं आप लोगों से। तो ब्लॉग को स्किप मत करिएगा, ब्लॉग को बिल्कुल छोड़ कर मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। अभी हो रहा है 6 बजे का टाइम, तो रात को हम लोग सोए थे ना 3 बजे, उसके बाद 6 बजे फिर मैं उठ गई। मैं उठने वाली नहीं थी, मैं 8-8 बजे तक सोती, लेकिन मेरा क्यूटी जो है ना वो उठ कर बैठ जाता है, तो उसके साथ साथ मुझे भी उठना पड़ता है, और इस वजह से जो है ना मैं जल्दी उठ गई। और चलो कोई बात नहीं, दोपहर में सो लूँगी, तब सारा काम टाइम से करने के बाद ना दोपहर में सो जाऊँगी, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। और मूवी बहुत अच्छी थी सच में, पता नहीं कौन सी मूवी थी, मुझे सच में फिर से नाम में भूल गई। अभी एडिटिंग कर रही हूँ ना तो फिर से भूल गई, कोई बात नहीं, याद आएगी तो मैं फिर से बताऊंगी। बहुत ज़बरदस्त मूवी थी, हम लोगों ने देखी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और हम लोगों ने नाश्ता किया। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना लाइफ में, जो सारी टेंशन रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो हट जाती हैं, क्योंकि जो है हम लोग अपने आप में खुश हैं तो सारी चीज़ें ना भूल जाती हैं, और थोड़ा सा एक माइंड भी आपका जो है फ्रेश हो जाता है। तो कभी कभी ये सब करना बनता है। और यहाँ पर फटाफट मैंने किचन साफ किया, वैसे रात को मैं सारा काम ख़त्म कर दी थी। पति देव ने वो जो चूड़ा वगैरह भूना था ना, उसको भी मैंने लगे हाथ क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं जो है कमरे में गई थी खाने पीने, मूवी देखने, और उसके बाद फिर जो है ज़्यादा मॉर्निंग में इसलिए काम नहीं था, बस गैस वगैरह क्लीन करना था, जो कि मैंने फटाफट क्लीन कर लिया है। और अभी रूम में आ चुकी हूँ, यहाँ पर भी मैंने बेड वगैरह सही कर लिया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मेरा बेटा देख लीजिए कैसे मस्त होकर बैठा हुआ है, खेल रहा है बेड पर। और जो है इतनी देर में मैं उठी, लेकिन फिर भी मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। और सबसे अच्छी बात यह ना कि पतिदेव थोड़ा सा लेट जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा काम और भी आराम से हो रहा है। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले काम ख़त्म किया, फिर मैंने अभी का नाश्ता बनाया, और ये नाश्ता सूजी का है, और इसमें ढेर सारे मैंने सब्जियाँ ऐड करी हैं, गाजर है और बीन्स वगैरह है, और शायद शिमला मिर्च भी है। हाँ तो बहुत सारी सब्जियाँ मैंने इसमें ऐड करी है, एकदम सिंपल सादा सा नाश्ता बनाया है अपने बच्चे के लिए, तो उनको नाश्ता खिला देंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे। और ये पतिदेव कपड़े लेने गए थे, मेरी बुआ हैं, उनके बच्चे का बर्थडे है, तो उन्हीं के लिए ये कपड़े लेने गए थे। यहाँ पर टोपी है, मोजा है, और ये झूला भी उन्होंने लिया था उसके लिए, क्योंकि अभी के बर्थडे में वो भी जो है ना बहुत सारा सामान लेकर आई थी, तो हम लोग ने सोचा उनके लिए भी कुछ अच्छा सा लेते हैं। ये है दूसरे दिन की क्लिप, और अभी ये मेरा ब्लॉग एंड नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर वॉशिंग मशीन मैंने लगाया है, कपड़े धुल रहे हैं, उसके बाद जो है मैं सोच रही हूँ 5-6 मिनट बचे हैं तो कपड़े फैलाऊँ, उसके बाद नहाने जाऊँ। और मॉर्निंग का नाश्ता हम लोगों का हो चुका है, और मैं साथ साथ में एक काम भी कर रही हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ कौन सा काम है। तो हम हाउसवाइफ को ना कभी छुट्टी नहीं मिलती है, ना छुट्टी होती है ना छुट्टी मिलती है, और बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी काम जो मैं कर रही हूँ वो ये है।
इतने ज्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे ना, समझ नहीं आ रहा था। पूरी एक तो छोटी सी अलमारी है पूरी भर जाती है, और एक निकालो तो 10 ऊपर से गिरते हैं। तो मैंने इसलिए सोचा ना कि जो है पहले ये सारे कपड़े तय कर देते हैं, जब तक कपड़ा बहुत ज्यादा आवाज आ रही हो सके। तो मैंने सोचा ना जब तक सारे कपड़े धुल रहे हैं वॉशिंग मशीन में, तब तक मैं ये कपड़े तय करके रख देती हूँ, उसके बाद नहाने जाऊँगी। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 का, तो थोड़ा सा लेट हूँ आज। और आज लेट इसलिए हूँ क्योंकि जो है हम लोग कल बहुत ज़्यादा लेट सोए थे। कोई अच्छी मूवी आती है ना तो हम लोग देखने लग जाते हैं, उसी में लेट हो जाता है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा चलता है। और पति देव जा चुके हैं, भैया मेरा सो रहा है, और अभी मुझे नहाना है। घर का सारा काम हो चुका है, लंच की तैयारी भी मैंने करके रख दिया है, सब्जी वगैरह कट कर लिया है, बस नहा के फिर बनाऊंगी। तो चलिए फिर अभी मिलते हैं नहाने के बाद। तो अभी भी नहा के आ चुकी हूँ, फटाफट ये सारे कपड़े मैं फैला दूंगी। और मैंने सोचा था ना कि पहले फैला के उसके बाद नहाने जाऊंगी, फिर मैंने सोचा था छत पर फैलाएंगी। छत पर मैंने सुनी बंदर के बहुत सारी आवाज़ें, तो मैंने कहा यहीं फैला देते हैं क्योंकि बंदर थोड़ा सा दौड़ा लेंगे तो मैं कहाँ भाग कर जाऊंगी। तो मैंने सारे कपड़े जो है ना यहीं पर फैला दिए हैं। और अभी जो है मैं जा रही हूँ कुछ चाय नाश्ता करूंगी, क्योंकि अभी के लिए मैंने नाश्ता बनाया था, बाकी हम लोगों के लिए हमने अभी कुछ नहीं बनाया है। तो काम भी अभी बज रहे हैं 8:30, 8:30 या 9:15 हो रहे होंगे, मैंने देखा नहीं था। लेकिन मैं थोड़ा लेट उठी, फिर भी मेरा सारा काम जल्दी हो गया। क्योंकि इसलिए हो गया क्योंकि पति देव का हेल्प और सपोर्ट रहता है हर चीज़ में, और काम में भी रहता है, तो इसलिए सारा काम मेरा ना टाइम से हो जाता है, और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी मैं हूँ इसके लिए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी सी देर में फैलाने के बाद। यहाँ पर देखिए सारी सब्जियाँ मैंने कट करके रखी हुई हैं, फटाफट इनको छौंक दूंगी क्योंकि मुझे सादा ही बनाना है। यहाँ पर गाजर, आलू और शिमला मिर्च, बीन्स वगैरह मैंने कट कर लिया है। तो सादा बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता क्योंकि मसाले वगैरह में थोड़ा सा भूनो ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन पतिदेव का मूड जो है चेंज होता रहता है, तो थोड़ा बहुत मसाले मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मसाला डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा भूनने में। यहाँ पर ये देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा एक सब्जी मसाला आता नहीं है पूरा मिक्स मसाला, बाकी धनिया मिर्चा अलग से कुछ भी नहीं, यही सारे मसाले मैं इसी के साथ डाल दूंगी। और यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने इनको भून लिया है, फटाफट आलू डाल देंगे और जो कि सारी सब्जियाँ मैंने कट करी हैं वो सब डाल देंगे। और ये बन चुका है मॉर्निंग की सब्जी, तो सब्जी रोटी रहेगी नाश्ते में, और उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा मैं आराम करूंगी क्योंकि मॉर्निंग में उठ के मैंने बहुत सारे काम कर लिए हैं। और अभी देखिए फटाफट मैंने सब्जी छौंक दी है और अभी रोटी बन जाएगी, बस पतिदेव चले जाएंगे, उसके बाद फिर मेरे बच्चे वाला रूटीन शुरू होगा, उनको नहलाना खिलाना मालिश वगैरह करना, बहुत सारे काम होते हैं घर में, वो सारा कुछ करूंगी। तो जब तक सब्जी बन रही है दूसरी तरफ आटा लगा के रोटी बनाऊंगी और फिर मिलती हूँ आपसे। मेरा सारा काम खत्म हो चुका है और मैं बैठी हूँ दुपट्टा ओढ़ के, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है सच में। छत पर अगर जाऊँ ना तो ठंड शायद इतनी कम हो, धूप वगैरह लगेगी तो कम लगेगी, लेकिन यहाँ पर जब रूम में बैठी हूँ ना तो रूम में नहीं बाहर बैठी हूँ, मेरा बच्चा सो रहा है अंदर, तो इसलिए मैं बाहर बैठी हूँ। और आज का ब्लॉग मेरा यही था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी ना तो लाइक करके ही जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बस जो भी कुछ मेरा रूटीन रहता है सारा कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है कि कैमरे में कैप्चर करना चाहिए वो सारा कुछ मैं कैप्चर करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं भी आप लोग से उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग को पसंद ज़रूर आएगा वीडियो। तो बस इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लास्ट में बाप बेटे की मस्ती देख लीजिए, तो ये सारे क्यूट क्यूट मोमेंट मैं कैप्चर करना चाहती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना।